अच्छा, तो आप एनजीओ चलाती हैं? किस चीज का एनजीओ चलाती हैं आप? आप तो पत्रकार है ना, तो खुद ही पता कर लीजिए। बिल्कुल माइंड से ही बात कर रहा हूँ मैडम। क्या जानती हैं आप मानव तस्करी के बारे में? हर साल लगभग 6 लाख से 8 लाख लोगों की मानव तस्करी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से होती है। इसमें से 50% से ज्यादा तो बच्चे होते हैं। सीमा रेखाओं की ही चिंता है आप जैसे पत्रकारों को? मजदूरों का शोषण हो रहा है, बाल मजदूरी हो रही है, यहाँ तक कि महिलाओं को बेचा जा रहा है, हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। अरे हजारों की गिनती मुझे मत बताओ मैडम। अरे कम से कम अपने आंकड़े तो सही कर लीजिए। क्या आप जानती हैं कि 24.8 मिलियन इंसान बंधुआ मजदूरी के शिकार? क्या आपको पता है कि 15.9 मिलियन इंसानों की जबरन शादियां करा दी जाती है? क्या आपको पता है कि 4.8 मिलियन इंसानों को जबरन देह व्यापार में धकेल दिया जाता है? आज पहली बार लगा कि कोई इतना सीरियस हो गया इस बात को समझता है। ये देखिए, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में हर साल 150 बिलियन लोगों को असंवैधानिक तरीके से बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। खैर, लगता है आप मानव तस्करी के बारे में काफी गहराई से शोध कर रहे हैं, इसलिए काफी आंकड़े आपको बहुत अच्छी तरह से याद है। इसको खत्म करना कोई इतना आसान काम नहीं है मैडम। जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जमीनी। इनकी जड़ों पे कुठारा घात करना पड़ेगा। गुड, तो हमें भी साथ ले चलिए। पर आपको तो आवेदन लगाना होगा ना। रहने दीजिए, हर इंसान फर्जी नहीं होता है। चलिए आज से जमीनी लड़ाई शुरू करते हैं। अच्छा, तो चलिए पकड़िए इसको, बैठिए। चलिए आज से हम आपको जमीनी हकीकत दिखाते हैं। मैं तो अब दारू पीऊं, मैं तो आज तो मुर्गा फंसे का यही। दारू ये भी है। बे कहाँ है अंडा? बे ओए उधर देख, उधर उधर उधर। चल हट रहे। ये देख, ये भी है। पहुंचने को तो चांद पर पहुंच गए हम, पर जमीनी हकीकत आज भी विचलित कर देती है। खैर, सच्चाइयां शोध से ही सामने आती हैं। शोध शराब की उन खाली बोतल से बूंद बूंद कर इकट्ठा किए गए एक बूंद से सतरंगी हो जाने की ललक। शोध उन बच्चों का जो खेलने कूदने की उम्र में शराब की खाली बोतलें इकट्ठा कर रहे हैं। किसने लगाया उन्हें काम पर? फ्री में शराब यहाँ कौन बांट रहा है और क्यों बांट रहा है? खैर, मेरी खोजी रपट तो प्रकाशित होगी, प्रशासन भी संज्ञान लेगा। हम जागरूक रहेंगे तो सब अच्छा होगा। अब आगे क्या करना है आपका एनजीओ समझेगा बेहतर तरीके से, ऐसी उम्मीद है। अगर आप जैसे पत्रकार साथ हो तो हमें सही दिशा में काम करने में कोई समस्या नहीं होगी। टुगेदर विल डू बेटर। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। चलिए। हेलो मैडम, आ गया आपका चंदे वाला कार्यालय। क्या सर, आप भी ना? जस्ट जोकिंग यार। घर में खाए पर दाना नहीं है, बेटी ला स्कूल भेजे पर पैसा नहीं है, तन पे दुठन कपड़ा नहीं है। अब ये आदमी ला देख, दारू दारू दारू, मर का मर नहीं जाऊं मैं, मर भी नहीं सका हूं। मर जाऊं तो मोर बेटी ला कौन देगी? कहां ले आते हैं आपका पैसा? मेहनत करता हूं मैं, हां मेहनत। तोर बेटी है ना, ऐसने पढ़नी होगी। ए का पढ़तस? मोर सहेली की किताब है,
ओकर पाछू कक्षा के किताब है, वो रद्दी में जाते लेकिन मोला पढ़े बर देते और कभू कभू तो मोला खाए बर भी देते। तोर बेटी तो बहुत समझदार हो गए। सुन, दिल्ली वाले शेर से तो बोर बात हो गए। काम करी ए तोर गुड़िया, आओ महीने के पगार भी मिली, 20,000 तो एडवांस मिली। कहाँ चले जाए मोर बेटी? सुनिस्ता यार, छोटे अभी हो। बाहर के सुनिया, मैं यार तो कहते। बोला मारिस ते, बोला मारिस, छोड़ो नहीं तोला। अच्छा मिस्टर शोधकर्ता, ये जो मानव तस्करी करते हैं इनके अपराध की सजा क्या हो सकती है? अरे आईपीसी की धारा 370 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को डरा धमकाकर या बल का प्रयोग कर अपहरण करता है, मानव तस्करी करता है, तो इसके लिए कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ओह माय गॉड। और हाँ, अगर कोई नाबालिग और एक से अधिक व्यक्ति और उनका अपहरण कर तस्करी करता है तो इसकी मिनिमम सजा 10 वर्ष और अधिक से अधिक आजीवन कारावास तक हो सकती है। इट्स अ वेरी बिग क्राइम। लेकिन पहले चलो उनको ढूंढो और तुम पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाओ, चलो जल्दी करो। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। ए चंदू, ले तेरा पैसा, तेरी बेटी ले जा रहे रे, चल ले के चल, चला बेटा चल मेरे साथ। सर रुकिए, वो रही बच्ची। अरे दीदी आप, तू क्यों बीच में आया? हटा गाड़ी यहाँ से। पैसा दे। ये बच्चों के सारे तू डर मत, अपन लोग है ना एक साथ जाएंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, है ना? ठीक है, अपन लोग तेरे को दिल्ली लेके जाएंगे, वहाँ तुझे अच्छा काम दिलाएंगे, ठीक है? आराम से रहना, चल रहे गाड़ी साइड करके आते हैं। गुड़िया, तुझे बचा तो लिया, अब पढ़ा भी लूंगा।